दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं MRT पर और AE टूल बॉक्स पर। तो सवाल ये है कि क्या MRT और AE टूल बॉक्स जो है परमानेंटली बंद है, हमेशा के लिए बंद है? तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल तो अभी इसका जो सर्वर है MRT का और AE टूल बॉक्स का, दोनों का सर्वर जो है अभी बंद है, ठीक है, आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। और सवाल यह है कि ये MRT या जो है फिर से दोबारा जो है एक्टिवेट का कोई सिस्टम है, या बहुत सारा वीडियो बना के डाला है YouTube में और कह रहा है कि जो है MRT एक्टिवेट हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो बात है जो गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। MRT के कोई भी एक्टिवेशन अभी तक नहीं आया, जो भी वेबसाइट है वो फेक है, ठीक है। तो MRT कोई एक्टिवेशन अभी नहीं आया है। दूसरी बात, क्या MRT जो है कभी आगे चल के यूज हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका कहना मुश्किल है कि इसका अपडेट आएगा या नहीं आएगा, ये चीज़ बिल्कुल कह नहीं सकते, ठीक है। तो समझ लीजिए कि MRT अभी बंद ही है पूरी तरह से, तो MRT को आप संभाल कर रखिए। अगर हो सकता है आगे चल के कोई इसका अगर अपडेट आता है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, या कोई अगर एक्टिवेशन आता है आगे चल करके तो आप इस MRT को यूज कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं AE टूल बॉक्स के बारे में। तो दोस्तों मैं बता दूं, AE टूल बॉक्स जो है ये एक EMMC बॉक्स है, यानी कि ठीक है, जैसे कि जितना भी मोबाइल आजकल ऑनलाइन जो है अनलॉक होता है, ठीक है, तो पहले जो क्या होता था कि AE टूल बॉक्स से या UMT का EMMC टूल से या मेडिकल का EMMC टूल से जो है जंपर मार करके जो है, ठीक है, CL के डाटा पॉइंट से जो है उसे अनलॉक किया जाता था, ठीक है। तो अभी यह है जो इसका सर्वर बंद है AE टूल बॉक्स का, तो आप इस बॉक्स को भी यूज नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी अगर टूल है जो भी EMMC का, जैसे कि UMT का EMMC टूल अगर आपके पास है, या कोई और GSM EMMC टूल है आपके पास, या मेडिकल EMMC टूल है आपके पास, ठीक है, तो उस टूल में जो है आप AE टूल बॉक्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसको आपको फेंकने की जरूरत नहीं है, ये बॉक्स आपका जो है काम आ जाएगा। जैसे कि आप UMT का EMMC हार्डवेयर खरीदते थे या ZISP का हार्डवेयर किट खरीदते थे, ठीक है, और कोई भी टूल में या UMT में किसी भी टूल में यूज करने के लिए, ठीक है, तो अगर आपके पास अगर AE टूल बॉक्स है पहले से ही, ठीक है, अभी तो इसका सर्वर बंद है, अगर आपको इसे यूज करना है इस बॉक्स को, तो आप जो है किसी भी EMMC सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं, चाहे वो UMT का EMMC सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो मेडिकल का EMMC सॉफ्टवेयर हो, किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करवा करके आप इस बॉक्स को उसमें यूज कर सकते हैं, ये बॉक्स यूज हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब आपका एक आखिरी सवाल जिसका मैं आपको जवाब देता हूँ। कई लोगों का कहना है कि कोई भी जो है मोबाइल को जब ऑनलाइन वाले मोबाइल को वो जो है उसे खोल करके जो है उसका ढक्कन ओपन करके ISP पिन आउट करके जब किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे UFI बॉक्स हो, चाहे डिजिटल प्लस बॉक्स हो, ठीक है, चाहे UMT का EMMC हार्डवेयर किट हो या ZISP का हार्डवेयर किट हो, किसी भी हार्डवेयर किट में उन लोगों का मोबाइल जो है डेड हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं इसमें जो गलती है बॉक्स का गलती नहीं होता या किट का गलती नहीं होता है। EMMC कोई भी किट है, चाहे वो UMT का है, चाहे वो मेडिकल का है, चाहे UFI बॉक्स का है, ठीक है, कोई भी जो है ISP किट का जो है गलती नहीं होता या बॉक्स का गलती नहीं होता। गलती आपका होता है कि आपको जो है EMMC का नॉलेज नहीं है, ठीक है, इस वजह से जो है मोबाइल डेड हो जाता है। उसका जो मुख्य कारण होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए डाटा CMD CLK ग्राउंड, ठीक है, इनसे मोबाइल डेट नहीं होता है, मोबाइल डेट होता है यहाँ पे VCC Q और VCC से, ठीक है। इसमें जो वोल्टेज का जो अंतर होता है, तो देखिए VCC Q में 1.8 वोल्ट होता है, ठीक है, अब VCC 2.8 वोल्ट होता है, ठीक है, VCC में 2.8 वोल्ट होता है। तो और दूसरी मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी मोबाइल को आप ISP पिन आउट करके अनलॉक करते हैं, तो सबसे पहली बात कि आप मोबाइल में बैटरी बिल्कुल भी ना लगाएं और ना ही मोबाइल में आप चार्जर लगाएं, ठीक है, बैटरी चार्जर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। मोबाइल को जिस टाइम आप बूट कराते हैं तो आपको सिर्फ डाटा केबल से ही कनेक्ट करना है, और डाटा केबल आपका कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए, और कंप्यूटर से ही जो है डाटा केबल से आप सप्लाई बोर्ड को दें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप मोबाइल को ISP के द्वारा अगर आप अनलॉक करते हैं, चाहे आपके पास UFI बॉक्स है, चाहे आपका UMT EMMC हार्डवेयर है, ZISP किट है, कोई भी किट है, ठीक है, किसी से भी आप अनलॉक करते हैं, तो सबसे पहले बता दूं कि जब आप बोर्ड निकालते हैं मोबाइल से, ठीक है, मदरबोर्ड जब निकालते हैं मोबाइल का, तो मदरबोर्ड को निकालने के बाद जो है उसमें जो है डाटा केबल लगाएं और डाटा केबल को कंप्यूटर से कनेक्ट करें, उसमें कोई बैटरी वगैरह ना लगाएं, ना कोई चार्जर लगाएं। उसके बाद मल्टीमीटर से जो है उसका जो VCC Q और VCC का जो पॉइंट होता है मदरबोर्ड में, उसको चेक करें, उससे आपको कन्फर्म हो जाएगा कौन सा पॉइंट आपका VCC है, कौन सा पॉइंट आपका VCC Q है। क्योंकि जब डाटा केबल से आप सप्लाई देते हैं मदरबोर्ड में, तो वहाँ पे अगर मान के चलिए मल्टीमीटर से आप चेक कर रहे हैं, अगर VCC Q में अगर आपका जो है 1.8 वोल्ट आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो VCC Q है वो पॉइंट,
और मान के चलिए अगर किसी में 2.8 वोल्ट आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो VCC ओनली VCC है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ही आपको वोल्टेज चेक करके ही आपको जो जम्पर करना है, क्योंकि आपका जम्पर का जो मिस्टेक करने से ही आपका मोबाइल डेड हो जाता है और आप जो है गलत ठहराते हैं किट को या सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जिनको हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है, EMMC का जो है ट्रेनिंग नहीं है, उन्हीं लोगों से मोबाइल डेड होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।